जय श्री गणेशाय नमः। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीमा बेजवानी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग जो है वो डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आज हम आए हैं किट्टी पार्टी में। तो गाइस, अभी है बच्चों की वैकेशन, तो सारे जो फैमिली वाले हैं भाई हमारे इन लॉज में, यहाँ रखी है किट्टी पार्टी। हाय गाइस, आज ये देखो यहाँ पे पार्टी रखी है अनिला दीदी के घर। ये सारे लोग, हाँ, जिसने जो जो बनाया है बता दो इनको। इतना सारा खाना सब अपने अपने घर से बना के लेके आए। मैं कामचोर हूँ, घर पे खाना बनाना नहीं पूछ रहा था, इसके लिए मैं लेके आई। बहुत भूख लगी, ₹20 बेटा तेरे को भी मिले, ₹20 मेरे को भी मिले। हाँ, 20 गाइस, ₹20 मुझे भी मिले। मेरी हुई थर्ड लाइन, अभी बाकी सेकंड बाकी। 84 मेरी सेकंड लाइन कंप्लीट। कौन सी सेकंड? ये जल्दी कर, डायर पे दे, तेरी सेकंड कंप्लीट हो गई ना। अरे यार रखो, हां फर्स्ट बाकी है गाइस। अभी हाउजी हमने खेल ली, 10 में से 20 बनाए आपने कितने, और मैंने 40 कमाए। 10 में से 40, यस 10 में से 40, 4 में से 50 कमाए, लेकिन वापस में जब खेली तो 10 और देने पड़े, तो 40। आपने कितने कमाए? 30। आप बेटा क्या करके आए? रखने चाहिए थे ना वेफर खाली। हाँ बोले, ये सही का आइडिया था। और भाभी आपने 5 आ रहा है क्या? नहीं, मैंने 15 आ रहा है। 15 5 दिए है इन्होंने, 5 दिए, 15 आ रहा है। मैंने 20 दिए, 50 कमाए। गाय से इतनी ज्यादा हो चुकी है बातें। ढिली दी लगी, टाइट दी लगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सब। ये भाई का इम्तिहान ले रही है ना। नहीं नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। गलत बोल रहे हो, बहन का फोन है, किसी का फोन आएगा तो चले ही जाए। तो गाइस अभी यहाँ पे पंचायत खत्म हो चुकी है और अभी यहाँ पे सब पकौड़िया खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, जितनी चाहो खा सकते हो। पानी पूरी अच्छी लगी? और आज की कैसे लगी आपको पंचायत? अच्छी लगी? किट्टी होती है जिसमें हम पंचायत करते हैं। पंचायत करनी चाहिए, यस पंचायत करनी चाहिए, मैंडेटरी, जरूरी है, जरूरी है पंचायत करना। तो इनकी शादी में आए थे हम लोग थोड़े दिन पहले ही, आपने देखा होगा। सरपंच ये और आपको कैसा लगा हमारे साथ? भले आप बैठे नहीं है, बढ़िया लग गया? कैसे लगा, मतलब बढ़िया बैठे ही नहीं? ऐसे गर्मी लग रही है, वैसे बढ़िया लग रहा है ऐसे। ये
ऐसा गाना है क्या आपका? और आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? मतलब सही लग रहा है ना? ये आपका इंटरव्यू टीवी में आने वाला है? टीवी में आने वाला है? ये ब्लॉगर है। एक दो दिन हाँ देखते हो आप? देखना अभी आप कुछ बता दो ना, आप लोग आपको सुनना चाहेंगे। डिंपल दीदी ने आपको कितना परेशान किया है, प्यार किया है, कैसे कैसे प्यार किया है वो तो तुझे क्यों बताएंगे? बताना पड़ेगा ना सबको, इतना नहीं हो रहा है। और आपको डिंपल दीदी? अच्छा ऐसे 30 साल भी हो जाएंगे फर्स्ट क्लास? 30 साल भी हो जाएंगे, मतलब ऐसे तो 60, 70, 80 जब तक जीना जाओ। हाँ वो पानी पूरी खिला रहे हैं, पानी पूरी खिला रहे हैं। गाइज यहाँ पे हम निकले थे गोला खाने के लिए, पर यहाँ पे गोले वाले भैया थे बंद। तो गाइज ये रहे गोले वाले भैया, आखिर हमें सरदारनगर में मिल ही गए। पूरा सब कुछ ढूंढने के बाद भैया तो हमारे बाजू में ही थे, आज काम वो हो गया, लड़का घर में डिंडोरा शहर में। तो चलो फाइनली सबको गोला मिल गया, बहुत मजा आ गया। ये सारे लोग देख सकते हो आप, शादी किया हुई हुई है, शादी शुदा है सारी आंटियाँ। ये आंटी नहीं, इसकी अभी हुई है शादी, और ये सब शादी की आंटियाँ हैं। आंटी नहीं, दीदियाँ, बाबियाँ, दीदियों, बाबियों, चाचू, चुगलियों करे मजा आया हुआ दादो। अनीता टीचर का कलर पूरा हो गया है, ये गंडे का कलर। तो गाइज मैंने खाए वेफल्स। गाइज अभी हम आए हैं होटल में खाना खाने के लिए, मैं बहुत थक गई थी किट्टी पार्टी से आके, और मैंने मेकअप रिमूव किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेकअप जब मैंने लगाया था धूप में बहुत मेरा मेकअप ख़राब हो गया था, और अब मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है मेकअप उतारने के बाद। और ये देखो मेरी मम्मी मेरे पापा को आने के लिए बोल रही है, पापा घर पर मैच देख रहे हैं विशाल के साथ, टफी के साथ। और ये देखो तो हम अभी घर जाएंगे खाना खाने के बाद, और आज किट्टी पार्टी में बहुत मजा आया, फिर घर जाके बताएंगे आपको। तो हम अभी खाएंगे चाइनीज, और अगर आपने सूरभी रेस्टोरेंट की चाइनीज नहीं ट्राई किए जरूर खाना, बहुत अच्छी होती है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मॉम के घर, ये मेरा टफी है और ये मैंगो खा रहा है, और सारे लोग यहाँ पे मैंगो खा रहे हैं। ये देखो अम्मी जी कैसे मैंगो खा रहे हैं, अम्मी जी थोड़ा खा के दिखाओ मैंगो। ये मेरी हीरू है, खाना खा लिया अच्छे से, खाना खा लिया अच्छे से मेरे भाई ने, इन्होंने मुझे कहा था कि हम नहीं खाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लेके आए, और ये मेरा खाना खा गया। हाय गाइस, आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और किटी पार्टी से आके भाई मैं बहुत थक गई थी। मैं क्या सुस्त मानस हूँ धरती पे, जो कि बहुत जल्दी थक जाती हूँ कोई भी चीज़ से। तो कल रात को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था किटी पार्टी में, बहुत ज़बरदस्त से मज़े किए भाई। अपनों के साथ किटी पार्टी करने में मज़ा ही कुछ अलग आता है, और ये किटी पार्टी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ की उनको भी थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारे ब्लॉग का हिस्सा बने मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे ब्लॉग में जब नए नए लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो भाई हमारे ब्लॉग में आप लोगों को कुछ न्यू देखने के लिए मिल रहा है, न्यू फैमिली देखने के लिए मिल रही है। तो जो आपने देखा वो सारे मेरे इन लॉज थे, आज की पार्टी जो थी वो हमारे इन लॉज की तरफ से थी, तो बहुत अच्छा लगा। सब अपने अपने घर से डिशेस बना के आए थे, तो ऐसी किटी पार्टीज़ करते रहना चाहिए। और इतना टाइम हमने स्पेंड किया पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, बहुत मज़ा आया। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका एक लाइक हमारा दिन बना देता है भाई। हमारी यूट्यूब फैमिली आज 1400 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुए हमारी YouTube फैमिली में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और Instagram पे भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स आते हैं, वो देखने के लिए आप हमें Insta पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, तो जल्दी से जाओ और हमें Insta पे भी फॉलो कर दो। तो जैसे आपने हमारे Insta फैमिली बहुत बड़ी बनाई है, YouTube फैमिली भी बहुत बड़ी बनाई है, और जो आज का व्लॉग था वो कैसा लगा वो भी कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं आगे भी अच्छे से व्लॉग्स बना पाऊँ। तो बहुत 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 मज़ा आया, थैंक यू सो मच अनीता दीदी, आपके घर पे हमने किट्टी पार्टी करी, बहुत अच्छा लगा हमें, और अब हमारे घर पे भी हम किट्टी पार्टी रखेंगे भाई बहुत जल्दी। तो जो हमने हाउजी खेली उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी हाउजी खेली नहीं थी लिटरली।
तो हाउजी हाउजी खेलने में भी मज़ा आया, 10-20 रुपए जीत भी लिए भाई, तो खुशी कुछ अलग रहती है। तो हमेशा हमें अपने अपनों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। तो अगर हम अपने अपनों के करीब रहना चाहते हैं तो उनके साथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कनेक्टिविटी हमें हमेशा रखनी चाहिए, जैसे वैकेशन से बच्चों की, तो आपको भी अपने परिवार के साथ मिलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए भाई। विदाउट एंजॉयमेंट में लाइफ में है ही क्या। तो जो पसंद आए खुद को, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। तो चलिए मिलेंगे अगले बहुत अच्छे ब्लॉग में।